जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। अभी भी मैं छत पे आया तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी और उनका गर्मी की वजह से काफ़ी बुरा हाल भी हुआ था, तो मैंने आते साथ ही यहाँ पे जो है ग्लूकोज वाला पानी डाल दिया है और सब जानवरों को भी मैं खोलता हूँ और आपको वीडियो में बना दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर अपने शिक्स को खोलेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इनका गर्मी के साथ काफ़ी बुरा हाल होगा। इनको मैं दोपहर को नीचे ले जाता हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है। और यहाँ पे किंग को बंद किया हुआ है, मिट्टी या नीचे ठंडा किया हुआ, उसको पानी रख के वो आते साथ ही खाना खाना शुरू हो गया। पानी तो उनके अंदर ही था मौजूद। और इनके साथ ही जब अपना टीयो सेट खोलूँगा वो भी आके दाना वगैरह खा रहे हैं काफ़ी के साथ ही। सबको प्यास वगैरह लगी हुई है पानी की वजह से। वो भी आके दाना ही खाएंगे मेरे रखते। ये वाला दाना वगैरह खा रही है और मेरा वो वहाँ पे जाके जो थाई का मुर्गा वो वहाँ पे जाके ठंडी ज़मीन पे जाके बैठ गया है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मेरा किंग है वो भी घूम रहा है और यहाँ पे चूजे अपना दाना वगैरह खा रहे हैं और घूम भी रही हैं। इनके साथ ही मैं अपने जो है अपने कबूतर खोल देता हूँ, वो भी बाहर आके दाना वगैरह खा लें। वो भी आ जाएंगे बाहर कबूतर सारे। कबूतर भी आना शुरू हो गए बाहर सारे। और बाकी नीचे जानवर जो है देसी भी काफी बुरा हाल हुआ है, देसी को भी गर्मी की वजह से। और ब्रीडर को मैंने पानी पहले ही रखा हुआ है और साथ वो दूसरे वाले कबूतर हमेशा मेरे से रह ही जाते हैं, वो भी मैं इनको खोल देता हूँ साथ ही। इनको मैं हमेशा भूल जाता हूँ, जब भी मैं खोलता हूँ कबूतर ये रह ही जाते हैं। अच्छा हमेशा कबूतर बाहर आ गए, बाकी जो अंडर बैठे हैं वो भी अंदर ही है और बाकी जो है मादी वगैरह यहाँ पर खेल रही हैं। और यहाँ पे कबूतर वगैरह सारे जो है वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, दाना वगैरह खा रहे हैं। कुछ कबूतर वो वाली वहाँ पे जाकर खाना खा रहे हैं और चूज़ा यहाँ पे खाना खा रहा है क्योंकि ये वाला बाजरा जो मैंने गीला कर दिया वो वाला वैसे ही है। और अभी मैं ये साथ ही जो अपना ब्रीडर है जो है वो खोलने लगा हूँ, इससे को मैं बिल्कुल लास्ट में खोलूँगा रोज़ की तरह। गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, आते साथ ही जानवर पानी की तरफ भागते हैं। मुर्गी तो खाना खाना शुरू हो गई है और बाकी ये जो है यहाँ पर घूमते हैं। वो वाली मुर्गी जो है ब्रीडर के साथ वाली वो किंग को मारना शुरू हो गई है, इसलिए मैं किंग को छोड़ने लगा हूँ क्योंकि वो किंग इससे डरता है। मैं इसको किंग को छोड़ने लगा हूँ। किंग भी भाग गया, इसको ऊपर रख दिया। किंग को भी खोल दिया, किंग इधर आके खेलना शुरू हो गया, ये भी मुर्गे से भी डरता है। और यहाँ पे आ गया मुर्गी, मुर्गा अभी यहाँ पे दाना खाना शुरू हो गया, किंग यहाँ पे खेलता है। बाकी चूजे कबूतर वो वहाँ पे खेल रहे हैं मेरे, वो सिर्फ देसी रह गए हैं। देसी भी काफ़ी गर्मी की वजह से बुरा हाल हुआ है इन पर। अभी ये ब्रीडर जोड़ा रही है वो भी खाना वगैरह खा गया और वहाँ पे मिट्टी पे जाकर बैठ गए और वो वहाँ पे जो दूसरा जोड़ा वो वहाँ पे आ गया। अब ये लास्ट पे जो है देसी रह गए, इनको मैं खोने लगा। जो भाई ये देसी बाहर आ गए, मुर्गा तो आते साथ ही पानी पीने लगा। ये पानी में मैंने ग्लूकोज डाला है तो पानी यार बिल्कुल हल्का हल्का पी रहे हैं क्योंकि पहले दिन ग्लूकोज डाला है तो इसलिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं। मुर्गी तो यहाँ भूख लगी हुई है, खाना दाना खा रही है वो इस वजह से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका मामले आपसे लेता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।